So good evening guys and welcome back to the channel. Now let's get started this video and then keep watching this video. So guys, हम अभी हूँ यहाँ पे जो ये है इंडिया की स्टेट असम एंड मेघालय बॉर्डर जो है यही ये नागावन कहता है इसको. साउथ सलमरा नागावन है ये एग्जैक्टली इसका नाम है साउथ सलमरा नागावन. साउथ सलमरा अभी नहीं है वो तोड़ गया है. फेरी घाट है और ये फेरी घाट यहाँ पे देखिए यहाँ पे धुबरी जो है धुबरी जाने में यह जो यहाँ पे जो लॉन्च घाट है यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब कुछ है. हम सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग देखते रहे. हम जस्ट अभी स्टार्ट किए हैं, आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा. तो ये है हमारा दोस्त दिलुदा. ये देखिए ये दुकान ना है. हाँ चाय की दुकान. थोड़ा कुछ बोलिए आपका दुकान का क्या बोलेगा. हम बहुत साल से हम चाय बिक्री करते हैं. आपका दुकान का पर्पज कुछ बोलिए. चला अल्लाह भगवान से बहुत ज्यादा चल रहा है. ओके 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 ओके. हम लोग का भूखा नहीं मर रहा है. हाँ हाँ मगर खाना खा रहा है जमा नहीं रहेगा. हाँ ऐसा है. तो आपका दुकान में पर डे सेल अच्छा से होता है ना. होता है मगर कर्मचारी और मेरे लिए थोड़ा मैंने महंगा पड़ेगा थोड़ा तो भी चलेगा. तो गाइस देखिए ये है दिलुदा. इसका नाम है दिलुदा. ये बहुत ही बचपन ये पुराना दोस्त है. तो शायद हम इसका दुकान जो है इसका दुकान में हम जाऊंगा जाके उसके साथ चाय वो पिलाएगा. ठीक है ना. हमारे दोस्त को चाय पिलाएगा. हम बढ़िया भर के स्पेशल चाय पिलाएगा. कॉफी वॉफी डाल के सब कुछ. खाना भी भात नहीं मिलेगा. चावल नहीं मिलेगा. चावल नहीं मिलेगा. रोटी पराठा मिलेगा. तो हम अभी जा रहा हूँ. देखिए ठीक है हम आइए आइए दिलुदा के साथ उसके दुकान में हम जा रहा हूँ. आप लोग देखिए. तो हम ये जो असम एंड मेघालय जो बॉर्डर में जो रोड है ये नागावन ये साउथ सलमरा का नागावन है यहाँ पे. तो शायद हम आप लोगों को एग्जैक्टली सब कुछ दिखाऊंगा. जो दिलुदा है उसका जो चाय का दुकान है हम उसका दुकान में की अंदर में जा रहा हूँ. आप लोग देखते रहे. तो ये देखिए क्या क्या है यहाँ पे. सब कुछ है यहाँ पे. मिठाई भी है बहुत कुछ भी है. जिलेबी भी है बहुत. तो दिलुदा दोस्त वो मेरा जिलेबी भी दे दिया. हम खा रहा हूँ अभी. अब तो यहाँ पे देखिए. हाँ 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 ये गरीब आदमी है. तो चलता है तो हम थोड़ा जो आपका मिठाई जो है सब कुछ आप लोगों को ये जो है हमारा राइस जो है इसको दिखाऊंगा. देखिए यहाँ पे बहुत कुछ है. मिठाई भी है यहाँ पे. बहुत सारे सामान है यहाँ पे. तो और कुछ है आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे. हमारा अंदर में जो थोड़ा दोस्त लोग है वहाँ पे दोस्त लोगों को साथ भी बातचीत करूंगा आप लोग को. देखिए यहाँ पे सारे जो है हम. तो थोड़ा अंधेरा हो रहा है भाई यहाँ पे. देखिए आप लोग यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो रहा है. खाना खा लिया. तो चाय दीजिए. खाली चाय पिएगा. स्पेशल पूरी खाएगा. लुची मांस वैसे ना दाल पूरी मिलेगा. आ दीजिए दीजिए. है ना सालमरा. सालमरा में हम पुराना दुकानदार है. हमारा उम्र जितनी है जितना ही है चाय दुकान की इतनी है. अगर आप लोगों के घर में कोई पार्टी या कोई जो कुछ भी होता तो उस के लिए ये जो क्या है कुकिंग के लिए हम शादी के लिए बहुत ही अच्छा कुकिंग कर रहा है ये. तो आप लोग भी इसको कांटेक्ट भी कर सकता है. ये बहुत ही ये जो साइट है ये कंप्लीट शादी है. इस्लाम शादी. इस्लाम को शादी. हर शादी में शादी का जो इंतजाम जहाँ पे होता है उस वहाँ पे जाके इन्होंने जो कुकिंग का जो फैसिलिटी है वो सब कुछ ये इतना अच्छा खासा जो टेस्टी खाना बनाता है ये दिलुदा. तो ये एक बात है आप लोगों को हम ये याद दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को. तो आप लोग भी कांटेक्ट भी कर सकता है इसको अगर ज़रूरत है तो. दिलुदा का तो कोई पार्टी में अगर कुछ रन कुकिंग करना है तो दिलुदा का साथ आप लोग कांटेक्ट भी कर सकता है. तो दिलुदा आपका नंबर जो है आपका नंबर बता दीजिए. आपका मोबाइल नंबर जो है बोल दीजिए. हाँ बोलिए. 9954. हाँ तो दिलुदा का नंबर है 9954 292 292 563 563. बस यही है उसका नंबर. तो आप लोग कॉल कर भी सकता है. आप कॉल करके उसको कॉन्टैक्ट भी करिए. ओके. तो दोस्तों आप लोग देखिए हम लोग का अभी चाय पी रहा है यहाँ पे. देखिए तो दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग बात है वहाँ पे जो दिखाई जा रहा है वो है बेहुदा बॉयज़ का मिस्टर टुडू एंड मिस्टर रफीक.
हमारा देश में कोई गलती नहीं है, कोई गंडगोल नहीं है। हमारा सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में रहता है, खाना भी एक साथ है, शादी भी एक साथ कर रहा है, पूजा भी एक साथ कर रहा है। तो और कुछ बोलिए दिलुदा। हाँ तो यही बात बोलो, आप क्या बोलो। हमारा जो पुलिस ऑफिसर है यहाँ पर वो शांत श्रेष्ठ है। तो दोस्तों ठीक है, हम लोग अभी चाय पी रहा हूँ, तो आप लोग देखते रहे, आप लोग देखते रहे और बने रहे इस वीडियो पर, ओके। तो दोस्तों हमारा जो चाय का चाय पीने का जो काम है वो अभी फिनिश हुआ है, तो हम अभी जा रहा हूँ। देखिए दिलुदा, तो ठीक है हम लोग अभी जा रहा हूँ ये दिलुदा के साथ, ओके। तो हम लोग जा रहा हूँ, देखिए यह जो है हमारा जो एक दोस्त है ये है रफिकुल भाई, तो उसके साथ भी दूसरा बात करेंगे हम लोग। तो रफिकुल भाई जो है ये देखिए, तो वो भी आपका साथ दो सर बात करेंगे, आप लोग सुनिए और देखिए क्या बात कर रहा है रबुकुल भाई, तो हम उसका साथ भी बात करेंगे। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब कास्ट की, यहाँ पे कास्ट की जो आदमी है यहाँ पे सब कुछ है, सब लोग भी है यहाँ पे, मिलजुल में रहता है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग देखते रहे और बने रहे इस वीडियो पर। तो हम अभी बात करेंगे ये जो है रफिकुल भाई, ये रफिकुल भाई के साथ हम बात करेंगे। तो रफिकुल भाई आप थोड़ा आइए, ये जो हमारा जो स्टेट आसाम एंड मेघालय जो है ये एग्जैक्टली जो आसाम एंड मेघालय का जो रोड है ये नागाबान साउथ सलमारा का ये नागाबान जो है, इसके बारे में थोड़ा आप कुछ बोलिए। देखिए ये आसाम का रोड है, हाँ हाँ, लेकिन बनाया मेघालय ने, और ये डिस्प्यूट एरिया है, थाना इधर बैठा हुआ है, साउथ सलमारा आगे पहले था, अभी भांग गया, अभी नई शुरू हो रहा है। तो इसलिए मैं हर लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, आसाम सरकार को कहना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार को कहना चाहता हूँ कि ये सलमारा उठा है, हम लोग गरीब है, हम डिग्री पास किया है, हम भी राइटर हूँ और एक फिल्म बनाए हैं, वो गाँव से निकला है हीरा। देखिए ये सालमरा डिस्प्यूट एरिया है, ये थाना जो पहले था सालमरा में था उस जगह उठा है, उसमें अगर सही सलामत से आप लोग बनाए दिया जाए तो मैं आप लोगों का मेरे दिल में जो सही है, हर लोगों के पास एक ही ना एक ही सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपका पास भी एक सही है, वही सही से हम बोल रहा हूँ कि ये सात सालमरा जहाँ जो था वही बनाने के लिए कोशिश करे। आप लोगों के लिए मैं भगवान अल्लाह ईश्वर है, बस हम प्रार्थना करेंगे। हाँ तो गाइस आप लोग तो सुन लिया, ये जो रफिकुल भाई है तो ये एक राइटर है, ये बहुत ही अच्छा खासा जो राइटिंग जो लिखता है और बहुत ही अच्छा खासा में लिखता, किताब में हमने लिखा है। हाँ। किसी के पास पैसा नहीं मांगा है, चार किताब गाँव चार किताब है, शिक्षा का धन ज्ञान है, एबार परीक्षा ज्ञान, जीवन युद्ध और जीवन ज्योति, इसमें एक ज्ञान हम आप लोगों का दे जाए जो वो है, ये दुनिया पहले कहाँ था और किसने ये दुनिया का लोग हम लोग और ये दुनिया में कैसे आना हुआ है और क्यों बात करना लगा, यही बात हम सोच रहा है। साइंटिस्ट का पास जो पहला ज्ञान नहीं था वो आज साइंटिस्ट बन गया, तो वो कहाँ से मिला है, दूसरा जगह है या नहीं है। हम तो साइंटिस्ट नहीं है, जो साइंटिस्ट बन गया है कहाँ रहता है, साइंटिस्ट ब्रेन कहाँ पवित्र जगह में है वही जानता है। मैं जहाँ घुसा है अल्लाह के पास, अल्लाह भगवान ईश्वर के पास जहाँ घुसा है हमने, वही पवित्र के पवित्र खेल है, साइंटिस्ट जो बना है पवित्र के ऊपर में आज आराधना करके आज साइंटिस्ट बन गया है, ये बात है। लेकिन हमने कोशिश किया था पढ़ने के लिए, कोशिश किया था, लेकिन और साउथ सलमा ये राजनीतिविद ने हमारा साउथ सलमा को ख़त्म कर दिया है, आज इसलिए कुछ नहीं बना है। मेरे वो दुख हुआ है, वो दुख दुनिया अगर पैसा जितना है दुनिया में, हर दुनिया में जितना पैसा है, ये पैसा अगर हमारे सामने दिया जाए
तो मैं खुशी नहीं गए क्यों राजनीतिक बीत हमारा सलमान को ख़त्म कर दिया, यही कहना चाहता हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदा है, शर्मिंदा जिसका पास है वही शर्मिंदा का सलमान समझता है। ठीक है, और कुछ बोलेगा तो मैं जाकिर साहब, जाकिर नायक साहब को मैं सलाम जनाता हूँ। वो जहाँ से दिमाग आता है उसका ऊपर में जो बात करता है वही दिमाग मेरे सामने है, हम भी वहाँ जाता है और बात वहाँ से हम आके बात करता है आदमी के पास। जाकिर नायक साहब, हम एक दिन जाकिर नायक को हम टीवी चैनल पे हम दोनों बात करेंगे, यही मेरा ख्वाहिश है। ये दुनिया हमारे पास है या नहीं हम भी देखना चाहता हूँ, इतना बड़ा। लेकिन सलमान क्यों ख़त्म कर दिया है, साधारण चीज़ है, राजनीतिक नेता साधारण चीज़ है, और हम सोचते हैं सारा वर्ल्ड का, और नेता सोचता है एक साउथ सलमान, एक धुबरी डिस्ट्रिक्ट, एक इंडिया, और हम सोचता है सारा वर्ल्ड का, सारा वर्ल्ड सोच के और पुरुष आए वही में हम घुस जाता है, समझा। मेरे पास क्या है, आज साउथ सलमान ख़त्म कर दिया है राजनीतिविद ने, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो भी शाप नहीं देंगे यार, सुन लो, जिसका पास इज्जत है वो अभिशाप नहीं देता है, वो सोचता है। ठीक है, तो दोस्तों सुन लिया उसका जो ख्वाहिश है, तो इसका जो और एक मकसद है, और डॉक्टर जाकिर नायक जो है सारा वर्ल्ड का वर्ल्ड फेमस जो डॉक्टर जाकिर नायक है उसके साथ भी एक दिन मीट करेंगे, उन्होंने यही कहा था, है ना। हाँ, तो मैं भी दुआ कर रहा हूँ ये खुदा का पास कि उसका ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो इसी के लिए आपके लिए मैं जो वीडियो है मैं समाप्त करता हूँ। तो मेरा जो चैनल है आप लोग देखिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई।